Hey everyone, welcome back once again guys. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे प्लांटेड टैंक क्लीनिंग के ऊपर, और उसको किस तरह से उसको क्लीन करें, किस तरह से उसको मेंटेन करें और किस तरह से क्लीन करें ताकि हमारा फिशेज जो है एक गुड एनवायरनमेंट में रह सके। तो गाइज आज हम बहुत सारे मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं, और वीडियो के दौरान मैं आपको ना छोटा छोटा टिप्स दे दूंगा ताकि आपका अगर प्लांटेड टैंक है तो आप किस तरह से उसको क्लीन कर सको और अच्छे से आपका फिशेस को गुड एनवायरनमेंट दे सको। आप देख सकते हो गाइज हमारा टैंक कुछ काफी ज्यादा गंदा सा लग रहा है, और आप देख सकते हो गर्मी की वजह से ना पूरा पानी का लेवल कम हो गया है और टैंक में पूरा सब तरफ से एल्गी भर चुका है, जो कि एल्गी होना तो अच्छी बात है लेकिन इतना भी नहीं कि वो ब्राउन एल्गी थोड़ा सा अच्छा दिखता नहीं है और पूरा टैंक को गंदा सा लुक देता है। तो सबसे पहले गाइस इसको हम तो इसको ऑफ करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा साउंड कर रहा है आपको अगर सुनाई देते रहेगा तो। और आप देख सकते हो हमारा जो फिल्टर का पाइप है इसमें पूरा ही हार्ड स्टेन हो गया है और इसको टाइमली क्लीन करना पड़ता रहता है, और मैं क्लीन करता रहता हूँ लेकिन इस बार इतना लेट हो गया है कि काफ़ी ज़्यादा दाग बैठ गया है पूरा सब तरफ। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसको ऑफ करते हैं और इसको सबसे पहले ही निकाल देते हैं ताकि हम इसको ईजिली साफ कर सकें। तो गाइस हमने यहाँ का फिल्टर को खोल के इस साइड रख दिया ताकि जब हम अपने टैंक को साफ करें तो इजीली हम साफ कर पाएं। तो गाइस आपको इन छोटा छोटा सामान का आपको जरूरत पड़ने वाला है, जैसे कि हो गया एक पाइप, बड़ा साइज का एक लिया हूँ पाइप और एक छोटा साइज का। और एक भाई हैं जो मेरे को कमेंट किए थे कि क्या बोतल से हम लोग क्लीन कर सकते हैं या नहीं। बोतल से क्लीन कर सकते हो, आसान से हो जाता है, लेकिन मेरा क्या है ना बोतल से अगर मैं क्लीन करने जाऊंगा तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो इसके वजह से ज़्यादा बालू टान देगा तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से मैं इससे क्लीन करता हूँ। और एक पिंसेट, एक ब्रश है, और स्क्रैपर के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ब्लेड। मेरा ब्लेड से ही ठीक होता है, दो कपड़ा रखा हूं, तो इससे हो जाता है गाइस। और इस टब में हम पानी को निकालने वाले हैं, तो लेकिन सबसे पहले जो क्लीन करने के लिए सबसे पहले ना इसको वेट कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा आपको मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि अब पूरा ड्राई ड्राई रहेगा और अगर आप ज़ोर ज़ोर से अगर ब्लेड मार दोगे तो ना स्क्रैच पड़ने का भी चांसेस रहता है। तो भाई अगर स्क्रैच आ जाएगा तो अच्छा दिखता भी नहीं है और अच्छा लगता भी नहीं है, तो इसीलिए सब तरफ से थोड़ा थोड़ा सा गीला कर देता हूँ ताकि ईजी हो जाए इसको साफ करना। देख सकते कितना प्लांट, और मेरे फिशेज जो है ना इस पूरा प्लांट सबको पूरा निकाल ही देते हैं, मतलब कोई भी अगर मैं प्लांट्स लगाता हूँ इसी की वजह से। पहले कितना घना लगता था मेरा टैंक, और लेकिन इस बार क्या है ना कि पूरा निकाल दे रहे थे लेकिन मेरे फिशेज जो है गाइस वो लास्ट में जाते हैं और पूरा वहाँ से ना खोदना चालू कर देते हैं, और इसी की वजह से प्लांट सब ऊपर आने लग गया। तो मैं फिर से रीप्लांट किया उसको, उसी की वजह से थोड़ा सा ना कम प्लांट्स लग रहे हैं। और गाइस इन सबको क्लीन करने के लिए हम एक ब्लेड यूज़ करने वाले हैं, स्टेन हो जाते हैं। इन सबको क्लीन करने के लिए वो स्क्रैपर आता है, लेकिन मेरे से कहा है जो ब्लेड से हो ही जाता है और ब्लेड से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो इसीलिए मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ। और इससे अच्छा से क्लीन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बस स्क्रैपर में क्या है ना आप ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल रहोगे, मतलब ना एकदम पूरा नीचे नीचे तक भी आप इजीली क्लीन कर पाओगे, लेकिन ब्लेड में ऐसा नहीं, आप हाथ मारोगे ना तो सारा एकदम पूरा प्लांट जितने भी है ना सारे मूव होंगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो देख सकते हो बस इतना तो साफ हो गया। एक ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ब्रश में और ये कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करना है ताकि यहाँ पर एल्गी फंस जाता है जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और कई कई बार ऐसा होता है कि ना अगर आप जो फूड डालते हो ना वो कॉर्नर पे आके ना फंस जाता है, जो कि कुछ वक्त के बाद जब पूरा ना डार्क हो जाता है तब जाके दिखता है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ही एल्गी लग गया है, एक्चुअली क्लीन होगा नहीं लगता है, काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड हो गया है, हार्ड सा लग गया, स्टेन हो गया, बट कोई बात नहीं, जितना होगा धीरे धीरे से कर लेंगे और जितना नहीं होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी गाइस प्लांटेड टैंक को ना कभी भी ना पूरा क्लीन मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है एक उसके हिसाब से अंदर का नेचर बने रहता है, और अगर आप पूरा इसको क्लीन कर दोगे ना तो पूरा अंदर का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। तो जितना हो सके ना थोड़ा थोड़ा क्लीन कीजिएगा। तो गाइस हमारा एल्गी जो कि ब्राउन एल्गी जो साइड में लग गया था उसको हमने क्लीन कर लिया। अब हमें ना इस पाइप की मदद से वाटर को निकालना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको धीरे धीरे से सैंड को मूव करना है ताकि जो भी थोड़ा थोड़ा सा वेस्ट रहेगा वो अपना पाइप की मदद से हमारे बाल्टी में बकेट में चले जाएगा, और हमें पूरा डीप क्लीनिंग नहीं करना है, जो कि जो फिशेज का वेस्ट है वही सबको रिमूव करना है।
कुछ स्टेप्स थे जिसको आप अप्लाई करके अपने प्लांटेड टैंक को मेंटेन कर सकते हो। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल रहा होगा। और दोस्तों थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।